बड़ी खबर, अहम जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, प्रदर्शनकारी पहलवानों से जुड़ी हुई बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। इंडिया गेट पर आमरण अनशन पर बैठेंगे पहलवान। वही गंगा में मेडल बहाने की भी बात उनके द्वारा कही गई है और हरिद्वार में अपने मेडल प्रवाहित करते हुए नजर आ सकते हैं आज पहलवान। आज शाम करीब 6 बजे हरिद्वार पहुंचने का उनका ऐलान है। वही प्रदर्शनकारी पहलवान लगातार उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने हरिद्वार में अपने मेडल बहाने का मन बना लिया है, निर्णय ले लिया है। तो हरिद्वार में अपने मेडल प्रवाहित करेंगे पहलवान। और पहलवानों से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था, वही पहलवानों ने बड़ा ऐलान किया है। और जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस के एक्शन के बाद सभी पहलवान आज गंगा में अपने मेडल प्रवाहित करेंगे। पहलवान बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा है कि हम इन मेडलों को गंगा में बहाने जा रहे हैं, क्योंकि वो गंगा माँ है। जितनी पवित्र गंगा माँ है, उतना ही पवित्र हम अपने मेडल को भी मानते हैं। और हरिद्वार से विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो विकास, जिस तरह से अब हरिद्वार पहुंचते हुए नजर आएंगे ये पहलवान, तो उनके आने के पहले क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि आज वहां पर गंगा स्नान भी हो रहा है? अब देखिए मनीषा, पहलवान जंतर मंतर में काफी समय से इनका धरना चला था, लेकिन अब इनको जो है धरने से वहां से हटा दिया गया। और साफ तौर पर पहलवानों ने जो है ऐलान किया है कि वो हरिद्वार में आकर माँ गंगा में जो मेडल है उनको प्रभावित करेंगे। तो ऐसे में जो है कई अन्य पहलवान के द्वारा इस तरह ट्वीट कर जानकारी दी गई, तो कहीं ना कहीं हरिद्वार प्रशासन में भी पूरी तरह से हड़कंप मचा है। सुरक्षा को लेकर चाकचौंध व्यवस्था जो है हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। चप्पे चप्पे पर जो है यहाँ पर जो पुलिस तैनात कर दिया है, ताकि सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार की कोई भी चूक ना हो। हालांकि शाम 6 बजे का जिस तरह से पहलवान ने ऐलान किया है, तो कहीं ना कहीं हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया। हालांकि SSP हरिद्वार ने साफ तौर पर कहा कि इस तरह की जो जानकारी मिली है, तो कहीं ना कहीं उन सभी पहलवानों का स्वागत है। चूंकि जिस तरह से गंगा दशहरा का स्नान पर काफी भीड़ हर की पौड़ी पर देखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के दृष्टिगत हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मनीषा बिल्कुल विकास, तो जिस तरह से गंगा स्नान लोग करते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं और भारी भीड़ वहां पर मौजूद है, ऐसे में इन पहलवानों का वहां पर पहुंचना प्रशासन के लिए कितनी बड़ी चुनौती? बिल्कुल मनीषा, जिस तरह से जो है पहलवानों ने ट्वीट कर जो है साफ तौर पर संदेश दिया हरिद्वार आने का, कहीं ना कहीं जो मेडल उनके माँ गंगा में प्रभावित करने को उन्होंने ऐलान किया, तो कहीं ना कहीं हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह से जो हड़कंप मचा हुआ है, इसको लेकर जो सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से जो हरिद्वार प्रशासन तैयारी कर चुका है। चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस बल तैनात यहाँ पर किया गया है। तो ऐसे में जो है जिस तरह से पहलवान लगभग शाम के जो 6 बजे तक पहुंचेंगे, लेकिन सूत्र यह भी बता रहे हैं कि कुछ जो पहलवान है हरिद्वार पहुंच चुके हैं, इस तरह से जो है सूत्र के द्वारा यहाँ पर जानकारी मिली। लेकिन शाम 6 बजे तक जिस तरह से पहलवान पूछेंगे हालांकि किस तरह के जो है हालात हो गए, कहीं ना कहीं जिस तरह से हरिद्वार में भीड़ देखी जा रही है, चूंकि आज गंगा दशहरा भी कहने की जो श्रद्धा लगातार हरिद्वार की ओर रुख करे, तो ऐसे में जो तमाम व्यवस्था सुरक्षा को लेकर हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। और साफ तौर पर SSP हरिद्वार अजय सिंह ने कहा कि इस तरह से पहलवान माँ गंगा में जो है मेडल प्रवाहित करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनका स्वागत है। अन्य जो श्रद्धालु वो भी आ रहे हैं, उनका भी स्वागत है। मनीषा बिल्कुल विकास, तो जिस तरह से आपने बोला कि पुलिस प्रशासन में एक हड़कंप की स्थिति देखने को मिल रही है, और ये हड़कंप की स्थिति इसलिए भी है क्योंकि प्रशासन जो तैयारी की थी प्रशासन ने, वो गंगा स्नान को लेकर थी, गंगा दशहरे को लेकर थी। लेकिन अब जिस तरह से ये प्रदर्शनकारी पहलवान वहां पर पहुंच रहे हैं, तो किस तरह की अव्यवस्था देखने को मिल सकती है वहां पर? देखिए बात करें तो जिस तरह से पहलवानों ने जो ऐलान किया है, तो कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती साफ तौर पर यहाँ पर प्रशासन के सामने बन गई है। कहीं ना कहीं हड़कंप यहाँ पर मच गया है। हालांकि एक तरफ चारधाम यात्रा और दूसरी तरफ जिस तरह से गंगा दशहरा, तो उसको लेकर प्रशासन ने तमाम जो तैयारियां पूरी की थी, कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण अब साफ तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है। जिस तरह शाम 6 बजे का जो ऐलान किया है पहलवानों के द्वारा माँ गंगा में जो है मेडल प्रभावित किए जाएंगे, तो साफ तौर पर पहलवानों ने कहा कि जिस तरह से पवित्र माँ गंगा है, इस तरह से हमारे पवित्र मेडल है, उनको भी हम जो है माँ गंगा में प्रभावित करने जा रहे हैं। तो ऐसे में 6 बजे के बाद जिस तरह 6 बजे यहाँ पर पहलवान पहुंचेंगे, तो आने वाला समय बताएगा हालांकि प्रशासन किस तरह से जो स्थिति को कंट्रोल कर पाता है। मनीषा बिल्कुल विकास, तो जो पहलवान देश के लिए जब मेडल जीत कर आते हैं, तो सभी उन पर फक्र महसूस करते हैं, लेकिन अब ऐसा आखिर कौन सा बिंदु आ गया और ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई जो उन्हें इस तरह का कदम उठाना पड़ रहा है? बिल्कुल मनीषा, बड़े गर्व की बात होती है जब कोई पहलवान जो है देश के लिए मेडल जीत कर लाता है,
लेकिन जिस तरह से काफी समय से जो है पहलवानों का धरना चला कि किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई थी, लेकिन अब पहलवानों ने साफ तौर पर जिस तरह से ऐलान किया है कि जो उनके मेडल है मां गंगा में प्रभावित करेंगे, तो ऐसे में एक बड़ी कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने चुनौती यहाँ पर बन गई है। चूंकि प्रशासन के द्वारा जिस तरह से गंगा दशहरी की तैयारी की गई, तो एक और कहीं जो बड़ी चुनौती साफ तौर पर बनती दिख रही है, जिस तरह से हड़कंप हरिद्वार प्रशासन में मचा हुआ है, तो ऐसे में जो जैसे 6 बजे पहलवान यहाँ पर पहुंचेंगे, स्थिति किस तरह से कंट्रोल होती है इसको लेकर जो है हरिद्वार जो SSP लगातार जमीन स्तर पर वहां पर पूरी तरह से निरीक्षण करें, चप्पे चप्पे पर जो पुलिस जवान वहां पर तैनात किया गया ताकि सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार की कोई भी चूक ना हो। तो ऐसे में जो पहलवान जिस तरह से देश के लिए मेडल जीत तो कहीं बड़े गौरव की बात होती है देश के लिए भी और देश की जनता के लिए भी। तो ऐसे में जो है जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया है कि माँ गंगा में जो उनके मेडल उनको प्रभावित करेंगे, हालांकि जिस तरह से जो है यहाँ पर जो है जो पहलवान है वो पहुंचेंगे, इसको लेकर पूरी सुरक्षा चाक चौबंद यहाँ पर कर दी गई ताकि सुरक्षा और गंगा दर्शन के दृष्टिगत किसी प्रकार की सुरक्षा की लेकर कोई भी चूक ना हो। मनीषा बिल्कुल विकास, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर भी थी, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई दिल्ली से वो सभी ने देखी हैं। बिल्कुल मनीषा, जिस तरह की तस्वीर दिल्ली में देखी गई है तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर प्रशासन इसी तरह से जो तैयारी कर रहा है ताकि इस तरह की स्थिति कोई भी ना हो। चूंकि जो है खुफिया विभाग है वो भी पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। हम अगर बॉर्डर्स की बात करें तो बॉर्डर्स पर जो पुलिस फोर्स वहां पर तैनात की गई है, आखिरकार जिस तरह से पहलवान पहुंचेंगे क्या उनका प्रदर्शन रहेगा, किस तरह से जो है वो माँ गंगा में जो मेडल उनको प्रभावित करेंगे, तो ऐसे में जो तमाम जो भी तैयारी है फिलहाल जो अपडेट मिल रही है। बिल्कुल विकास, एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहेंगे कि क्या पुलिस प्रशासन के तमाम आला अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, किसी से बात की है आपने, क्या कुछ उनका कहना? बिल्कुल, तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी है वो जमीन स्तर पर हरकी पौड़ी पहुंच चुके हैं। फिलहाल कुछ ही समय पहले अभी लगभग 10 मिनट पहले SSP हरिद्वार हरकी पौड़ी पहुंचे थे, जहां जिस समय मुझे मीडिया स्वरूप साफ तौर पर कहना की आज गंगा दशहरे पर तमाम जो देश के कोने कोने से श्रद्धालु आ रहे हैं उनका भी स्वागत है। हालांकि पहलवान 6 बजे पहुंचते हैं तो उनका भी स्वागत है। इस तरह की बात जो हरिद्वार SSP ने कही है, उन्होंने ये भी कहा कि सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम हमारे द्वारा किए गए ताकि किसी प्रकार की सुरक्षा को लेकर चूक ना हो। इस तरह से जो है अब जो एक एक अधिकारी वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की जो जायजा उसको ले रहे हैं। हालांकि जिस तरह से पुलिस बल तैनात वहां पर किया गया है, तो कहीं ना कहीं जिस समय जो है पहलवान 6 बजे उन्होंने जिस तरह से ऐलान किया कि 6 बजे हरकी पौड़ी पर पहुंचेंगे, उसको लेकर तमाम जो तैयारी आला जो अधिकारी वो पूरी तरह से जो मुस्तैद हो चुके हैं। मनीषा ठीक है विकास, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहलवानों ने बड़ा ऐलान किया है और पहलवानों का साफ तौर पर कहना है कि वो आमरण अनशन पर बैठेंगे, और साथ ही साथ उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए आज हरिद्वार का रुख अपनाया है और हरिद्वार में अपने जो मेडल है वो बहाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा है कि गंगा से पवित्र ऐसी कोई भी जगह नहीं हो सकती जहां पर हम अपने मेडल बहा सकें, और वहीं उन्होंने राष्ट्रपति और PM नरेंद्र मोदी को भी मेडल लौटाने की बात से साफ तौर पर इनकार कर दिया और उन्होंने अपने मेडल्स को प्रवाहित करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक पुलिस प्रशासन में हड़कंप की स्थिति देखने को मिल रही है।